पुल के उस पार। इस किचन में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है सब कुछ समझा दो इसे, क्योंकि किचन अब इसी को संभालना है। और हुमा, रजिया की मैंने छुट्टी करवा दी है, क्योंकि ये अब हिना के साथ जाएगी, उसी के घर रहेगी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन ये अचानक तुम्हें नौकरी का ख्याल आया कैसे? इस रूम में तो कोई प्राइवेसी ही नहीं बची, कहाँ जाऊँ मैं? बस बहुत हो गया, बंद करो ये पढ़ाई वढ़ाई, जाओ लेके जाओ इसको यहाँ से। एक बेटा तो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, और दूसरा इतना ला ताल्लुक। जी मिसेस फराज, मरियम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हमने जैसे ही देखा कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ गैर संजीदा हो रही है, हमने आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। आई होप कि आप उसकी पढ़ाई की तरफ भरपूर तवज्जो देंगी। एक्चुअली मैं आज मरियम की प्रोग्रेस डिस्कस करने नहीं आई, बल्कि आपके पास अपने जॉब के सिलसिले में आई। जी रजिया, रजिया कहाँ चली गई है ये? रजिया रजिया मुमानी जान, रजिया कहाँ है? वो तो चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई, क्यों चली गई? मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि रजिया अब यहाँ काम नहीं करेगी, मैंने उसे हिना के साथ भेज दिया, अब वो वहीं रहेगी उसके साथ। फिर यहाँ कौन काम करेगा मुमानी जान? तुम काम करोगी, और तुम्हारे होते हुए किसी और की क्या जरूरत है? क्या मतलब? देखो हुमा, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि किचन का सारा काम तुम्हें खुद को संभालना होगा। हुमानी जान, किचन में हजारों काम होते हैं, सब्जी काटना, बर्तन धोना, आटा गूंदना, अगर बात सिर्फ खाना बनाने की है तो वो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन ये सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम्हारे मैके में क्या 10-10 नौकर थे? वहां भी सारे काम तुम खुद ही करती थी ना, तो यहाँ भी खुद ही करना। वैसे भी सारा वक्त अपने कमरे में बैठी रहती हो, मसरूफ होगी तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजरेगा और तुम माजी की यादों में। बस करें मुमानी जान, बस करें। आदिल की गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आपको छोड़ दूं। नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, हम चले जाएंगे। अरे बड़ा लंबा रास्ता है, कहाँ जाएंगे आप? प्लीज बैठे, आ जाओ मरियम। कैसी हो? ये आ गया घर। लाइए बैग मुझे। अरे नहीं आदिल, कोई बात नहीं। अरे मैं ले जाता हूँ। आप चलो ना, खाने का वक्त है, खाना खा के जाना। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं उठा लेता। आदिल कितना जिद्दी है, जब अपनी जिद पर अड़ जाए तो किसी की एक नहीं सुनता। लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें किसी भी सूरत अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या कहा? अपना घर? अगर वो घर मेरा होता या उस घर के लोग मेरे होते तो मेरे साथ यूं गैरों वाला सलूक ना किया जाता। यानी कि एक बहू मुलाजमा की तरह खिदमत करेगी तो वो बहू कहलाएगी,
एक्ट्रेस है कि सबा भाभी, एक बहुत अच्छी बहू। लेकिन याद रखना, मैं सबा भाभी नहीं कि मुलाजमा बनूंगी। आज अचानक आपको अपनी बहू का इतना ख्याल आ गया, ये हमदर्दी क्यों माँ? जैसी भी है, बहू है इस घर की और मैं अपने किसी भी अमल के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अरे रचना बेटी, मैं जानती हूँ तुम ही हो। बेटी बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। अगर बेटी समझते आप लोग मुझे, तो मुझसे यूं लातालुक ना रहते। अरे बेटा, तुम मुझे इल्जाम क्यों दे रही हो? तलाक का मुतालबा तुम्हारा अपना था ना। पहले तो आदिल तुम्हें तलाक देने के हक में नहीं था, लेकिन जब तुमने इंसिस्ट किया तो उसने अपना जहन बदल लिया। अब तो वो भी तलाक चाहता है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर आदिल ने रातों रात अपना जहन कैसे तब्दील कर लिया। कोई तो वजह होगी ना। वजह क्या होगी, तुम तो जानती हो ना आदिल कितना जिद्दी है। जब अपनी जिद पर अड़ जाए तो किसी की एक नहीं सुनता। लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें किसी भी सूरत अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा, अपना घर? अगर वो घर मेरा होता या उस घर के लोग मेरे होते तो मेरे साथ यूं गैरों वाला सलूक ना किया जाता। आपने कामरान की शादी कर दी, मुझे इनवाइट करना तो दूर की बात, किसी ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। और वो आदिल जो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, अब अपने गरीब रिश्तेदारों को लिए लिए फिरता है। मेरे उस घर से जाने के बाद वहाँ काफी कुछ तब्दील हो गया है। क्या बताऊं बेटा तुम्हें, कामरान की शादी इस कदर अफरा तफरी में हुई कि किसी को भी मैं सही तरह से इन्फॉर्म नहीं कर सकी। खैर, आप आदिल को बता दीजिए कि वो मुझसे राबता करें, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शाबाश रचना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस घर में लौटकर वापस जरूर आओगी। अब देखती हूँ कैसे ब्याह कर लाता है आदिल सबा को इस घर। खुपो इतने मजे की कड़ी मैंने बहुत उससे बात खाई है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम और कामरान छोटे थे ना तो मेरे यहाँ कड़ी खाने आते थे। कैसे भुला सकता हूँ आपके हाथ की कड़ी और वो मजे के पराठे। सब खानों की रेसिपी अम्मी जान की है, बल्कि खाना बनाना मैंने अम्मी जान से ही सीखा है। वो हिना और अली नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए? अली पर्चा दे के आया था तो हिना को खाना खिलाने बाहर लेके गया है। दरअसल हिना को घर का पका हुआ खाना पसंद नहीं आता। तो क्या डेली इस तरह बाहर खाना खाते? तकरीबन। वो मैं सोच रहा था कि खाने के बाद मैं गुड़िया को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। हाँ हाँ जरूर। नहीं अम्मी जान, गुड़िया बहुत सुबह सुबह उठती है, इसे उठा नहीं जाता है। लेकिन 10 मिनट में वापस आ जाते हैं। असल में इसका गला भी खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। गुड़िया बेटा खाना खत्म करो, फौरन सो जाओ। मुझे एक बात समझनी होती, तुम मर्द ये क्यों समझते हो कि उनकी बीवी सारी जिंदगी मुलाजमा बनके उनकी खिदमत करेगी? इसमें गलत क्या है? मुलाजमा खिदमत करने के लिए नहीं होती, खिदमत करने के लिए तो बहुएं होती हैं। यानी कि एक बहू मुलाजमा की तरह खिदमत करेगी तो वो बहू कहलाएगी, जैसे कि सबा भाभी, एक बहुत अच्छी बहू। लेकिन याद रखना, मैं सबा भाभी नहीं हूँ कि मुलाजमा बनूंगी। वो नंबर बढ़ाना चाहती हैं सारी फैमिली के सामने। ठीक है तो दूसरों की खिदमत ना करो, लेकिन कम से कम अपना काम तो खुद कर लिया करो, किसी पे बोझ तो ना बनो। मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी, डोंट यू वरी। मेरे पापा ने मेरे लिए मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया। फाइनली आ गए तुम्हारे पापा। मुझे पता था कि ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे पापा की एंट्री जरूर होती है।
आदिल जी माँ। ओह, खाना लगवा दूँ? नहीं, वो पुप्पो की तरफ गया था, मैंने वहीं खा लिया। ओ अच्छा, पुप्पो के घर गए थे? जी, बस इत्तेफाक से वहाँ जाना हो गया तो पुप्पो ने खाने पे रोक लिया। कैसी अजीब सी बात है, जब भी तुम वहाँ जाते हो तुम्हें रोक लेती है। क्या करूँ, बस उनके प्यार और खुलूस को इनकार ही नहीं किया जाता। ठीक कह रहे हो, प्यार और खुलूस ही तो हथियार है उनका। क्या मतलब? खैर छोड़ो, वो रचना तुमसे बात करना चाह रही थी, कॉल की थी उसने, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? आपसे किसने किया था? खुद रचना ने, उसने बताया कि उसने तुम्हें कॉल की थी, कोई जरूरी बात करनी है उसने। देखिए माम, हमारे दरमियान अब कोई सिलसिला नहीं रहा, कुछ नहीं है, तो क्या बात करना चाहती है? देखो वो तुम्हारे निकाह में है, वो तुमसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। वजह? मैं उसे अपने जहन से, अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। बेटा वो तुम्हारी बीवी है, एक बार बात कर लो उससे। आज अचानक आपको अपनी बहू का इतना ख्याल आ गया, ये हमदर्दी क्यों माम? जैसी भी है, बहू है इस घर की और मैं अपने किसी भी अमल के लिए तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। बेहतर होगा तुम उससे एक बार बात कर लो। कभी दूसरों के दिल में झांक कर देख लिया करो, किसी को तुम्हारा एहसास भी हो सकता है। हुआ जिसे मेरा एहसास है उसे मेरी खुशियों की परवाह भी होनी चाहिए। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अच्छा माम, आदिल भाई यहाँ आए थे? कब आए थे? मुझे तो नहीं पता, मैं और अली तो बाहर गए हुए थे। हाँ आया था, और तुम्हारी फूफो ने खाना खिलाकर भेजा है उसे। बताया नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं मॉम, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बहुत ही घुन्ने लोग हैं। और आदिल भाई, उन्हें क्या हो गया? उनके पास कोई और काम नहीं है क्या? जब दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं। और उनसे इतना भी नहीं हुआ कि मैं बहन के घर जा रहा हूँ, अगर वो घर पर नहीं है तो इंतजार कर लूं, रुक जाऊं, मिल लूं, मिल के जाऊं। वो कौन सा वहां बहन से मिलने? बहुत हो गया मॉम, अब मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। आने दे आप अली को, मैं उसको बताऊंगी एक एक बात कि देख लो तुम्हारी भाभी के ये करतूत हैं, दोरे डाल रही है वो मेरे भाई पर। ख्वाब देख रही है ना कि आदिल भाई से शादी कर लूंगी मैं, उस घर की बहू बन जाऊंगी। एक और खबर सुनो, रचना का फोन आया था, गिले कर रही थी। क्यों, अब उसने क्यों किया है फोन? और गिला, गिला किस चीज का? यही कि हमने उसे झूठे मुंह नहीं पूछा और कामरान की शादी पर भी नहीं बुलाया। अच्छा, रचना भाभी तो खुद अपना घर छोड़ के गई थी ना, अब क्या गिला है उन्हें? अब क्यों अपने हक के तकाजे कर रही है वो? यही तो हैरत की बात है, दाल में जरूर कुछ काला है। उसकी बातों से लगता है कि वो अब भी आदिल की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए। बातों बातों में उसने बार बार आदिल के अपनी फूफी के घर चक्कर लगाने पर भी एतराज किया। अच्छी बात है, रचना का आदिल की जिंदगी में वापस लौट आना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। सबा और जीनत के इरादे उसी सूरत खाक में मिलाए जा सकते हैं जब रचना इस घर में वापस लौट आए। और आदिल भाई, मामा वो क्या चाहते हैं? अरे वो क्या चाहता है, उससे तो हम सब वाकिफ हैं। लेकिन मेरे जीते जी सबा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? इस बात को लेकर
घर में तरह तरह की गॉसिप्स हो रही हैं। क्या मतलब? कैसी गॉसिप्स? बच्ची नहीं हो तो सब कुछ समझ सकती हो। देखो उमा, बिला वजह लोगों को बात का बतंगड़ बनाने का मौका मत दो। मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। अच्छा, हैरत है। बस हमेशा तंज करती रहती हूँ, कभी दूसरों के दिल में झांक कर देख लिया करो। किसी को तुम्हारा एहसास भी हो सकता है। जिसे मेरा एहसास है उसे मेरी खुशियों की परवाह भी होनी चाहिए। क्या मतलब? मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हुमा, सब लोग समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे मेके जाने पर कोई पाबंदी लगाई हुई है। मैं सबको क्लियर कर दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनो, अब कहाँ जा रही हो तुम? बर्तन धोने। बर्तन धोने? क्यों, मेड छुट्टी पर गई हुई है क्या? मेड को तो हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। किसने? मुमानी जान ने। रकम का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, पूरा कर दूंगा मैं तुम्हारा हिसाब किताब। किसकी खातिर दे रहे हो तुम ये कुर्बानी? जान सकती हूँ मैं कि कौन है तुम्हारी जिंदगी में? तुम जितनी चालाक, होशियार और समझदार हो ना, उसके मुताबिक तो कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। और समझ लो कि ये ससुराल में तुम्हारा पहला बड़ा इम्तिहान है। मुझसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान नहीं दिए जाते, मैं अपना आप संभालते संभालते थक गई हूँ। मामा, आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ क्यों नहीं कर लेती? जब देखो आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्याल भरा रहता है। वो दे देगा तुम्हें तलाक? नहीं, वो मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि उस सूरत में उसे मुझे नकद 20 लाख रुपए हक महर और मेरी गारमेंट फैक्ट्री वापस करना पड़ेगी। इसे कुछ ही दिन हुए इस घर में आए हुए, सारे घर का निजाम बिगाड़ कर रख दिया इसने। अगर रचना इस घर में वापस आने का फैसला ना करती तो मैं खुद जाकर उसे ले आऊं। पापा, अब रचना को वापस आने की क्यों लग गई है? उस वक्त कहां थी वो जब मैं सख्त डिप्रेशन में मुब्तला था? पुल के उस पार।